वेलकम मनोज जी ऑन बॉलीवुड स्पाई, और बहुत बहुत थैंक यू फॉर गिविंग योर स्पेशियस टाइम. वेल, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि 11th अगस्त को दो बड़ी फिल्में क्लैश हो रही है, जैसे कि रक्षाबंधन हो, लाल सिंह चड्ढा हो, आपकी गीती गैलेक्सी हो मराठा में, क्या कुछ तैयारियां हैं इस दोनों फिल्म के रिलीज को लेकर? हम दोनों फिल्म की तैयारी करके बैठे हैं, दोनों जगह पर रिलीज करना है, यहाँ भी रिलीज करना है और मेरे गेटी गैलेक्सी में भी रिलीज करना है. लेकिन बात ग्रुप बीइंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैं कुछ और आगे नहीं बोल पा रहा हूँ. काफ़ी कंट्रोवर्सी मेरे को नजर आई. मैंने अभी इंटरव्यू में बताया, मुझे किसी ने बताया कि दोनों के विरुद्ध काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है. लेट्स कीप द फिंगर क्रॉस, भगवान करे चल जाए. अगर नहीं चल पाए तो बहुत तकलीफ होगी, ये पक्की बात है. हम लोग थिएटर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. आपको क्या लगता है सर, दोनों में से कौन सी फिल्में चलेंगी? क्योंकि रक्षाबंधन जो एकदम नई फिल्म है और जो लाल सिंह चड्ढा है वो कोई रीमेक है जो एक हॉलीवुड फिल्म का, तो आपके व्यू पॉइंट्स क्या, आपका वर्डिक्ट क्या रिलेटेड टू दैट? देखिए, एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैं रीमेक का, हॉलीवुड का ठग ऑफ हिंदुस्तान. वो वहाँ का एक रीमेक था जो पायरेट ऑफ अरेबिया, तो वो चल नहीं पाई. हालांकि मेरे गुरु, मेरे ब्रह्मा, मेरे विष्णु अमिताभ जी थे उसमें, लेकिन कुछ नहीं कर पाए. खुदा गवाह, इतनी कामयाब फिल्म बनी फिर भी उसमें हम कुछ नहीं कर पाए. रही बात उसकी और रही बात बाकी की फिल्मों की, ये दोनों फिल्म की काफ़ी कंट्रोवर्सी है. हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब सुलझ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए बस. ओके सर, जो कंट्रोवर्सी से, जिस तरह हम देखते हैं आमिर खान की बात करें तो लास्ट पीके जो है ऐसी कुछ कंट्रोवर्सीज हुई थी, नेगेटिव कंट्रोवर्सीज हुई थी, लेकिन वो कह रहे थे कि पिट जाएगी लेकिन चल गई सर. तो ऐसा लगता है क्या इस फिल्म के साथ ऐसा हो सकता है लाल सिंह चड्ढा की अगर बात करें तो? सी, अगर पब्लिक के दिमाग में उसका ये कहना है कि वो अगर भारत में इनसिक्योर्ड है तो पब्लिक बायकॉट करेगी उसे. यही भारत में रहना है, यही करोड़ों रुपये कमाना है, यहाँ हमारी इंडस्ट्री से अबज रुपए का बंगला बनाया है और आप बोलते हो कि हम लोग यहाँ सिक्योर नहीं हैं. यहाँ उसका खुलासा करें कि मैंने ऐसा बोला ही नहीं, या बोले कि मैं ऐसा बोला हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बात ख़त्म हो जाएगी. हमारी पब्लिक, खास करके भारत के हिंदुस्तानी, माफ़ करने में बहुत माहिर है, फटाफट माफ़ कर देते हैं. और अगर ये नहीं होता, पाकिस्तान में रिलीज़ करो ना लाल सिंह चड्ढा, सिंपल.